नौ टिप्स जो आपका बिजनेस बनाएंगी सफल, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, सन्मित्र बैंक अकोला का मैं चेयरमैन हूं और हम हमारे जो बोरोअर्स हैं उनके लिए काफ़ी बिजनेस सेमिनार्स करते रहते हैं, उसके अंतर्गत ही मैं आपको ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। बड़ा बिजनेस करने के लिए मैं आपको नौ टिप अभी दे रहा हूं, उसमें की पहली है कि थिंक बिग। क्या है कि बिजनेसमैन जो है, एंटरप्रेन्योर्स जो है, वो बड़ा सोचते नहीं है। इंडियन मेंटेलिटी जो है वो छोटा सोचने की है। समझो हमने पूछा किसको कि भाई तुमको बिजनेस कितने करोड़ का बनाने का है, तो बोलेंगे हाँ मेरे को 2 करोड़ का बिजनेस करने का है। वो ऐसा नहीं बोलता मुझे 200 करोड़ का करने का है, या जिसका 5 करोड़ का है वो नहीं बोलता कि मेरे को 5000 करोड़ का करने का है। लोगों की मेंटेलिटी ही नहीं, बोले नहीं नहीं इतना बड़ा मैं कैसा सोचूं, भला सोचने के लिए क्या पैसे लगते हैं। सोचना किसके बाप की जागीर नहीं है, सोचो पहले और देखो उसमें लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि नहीं नहीं हम बड़ा सोचते सोच सकते नहीं है। और एक मेंटेलिटी उसमें क्या है कि समझो 100 रुपये का बिजनेस है और उसमें उसका 100% स्टेक है, तो अपने पास में 100% रखेगा और पूरा मेरा है बोलेगा। अब दूसरा सोचो कि वही बिजनेस उसने बड़ा कर दिया सोच के और वो 1 लाख रुपये का बिजनेस किया और उसमें उसका 10% ही स्टेक रखा, तो भी वो 10,000 का हो जाएगा। पहले था 100% स्टेक 100 रुपीज, अभी 10% स्टेक 10,000 रुपीज। और हम सोचते भी नहीं है, हम छोटे इसमें रहते हैं और छोटे सोच आदमी को छोटा बना देती है। छोटी सोच और पाँव की मोच आपको बहुत आगे तक ले नहीं जा सकती। दूसरा जो है वो है कि आप 100 लोगों के साथ में समझो काम कर रहे हो तो आपके पास में 100 पार्टनर्स हैं। हम क्या करते हैं कि नहीं मैं बॉस हूं और मेरे नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं, तो वैसा ना होते हुए मैं हूं और मेरे साथ में मेरे 100 पार्टनर काम कर रहे हैं, उनका विजन मेरा विजन सरीखा है, उनकी सोच मेरी सोच सरीखी है, हम एक ही लक्ष्य को लेके काम कर रहे हैं और मुझे वैसे 100 पार्टनर्स मिल जाते हैं, देखिए बड़ा बिजनेस हो सकता है। और कितना बड़ा हो सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपका कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, आपके पार्टनर्स रहेंगे। और इवन अभी तो सोच ऐसी है कि भाई आपके कस्टमर जो है वो भी आपके पार्टनर्स हैं, बिकॉज दे आर इन द बिजनेस, वो आपसे माल खरीद रहे हैं, वो भी आपके पार्टनर हैं और वो भी आपका धंधा बढ़ा सकते हैं। तीसरा है अलग सोचो। देखो आपको कुछ तो भी अलग सोचना पड़ेगा, और अलग सोचना मतलब एक तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप धंधा अलग सोच रहे, मतलब जो कर रहे उससे अलग और कुछ तो भी नया धंधा कर रहे, या फिर जो धंधा है उसमें नए प्रोडक्ट ला रहे और नए प्रोडक्ट्स ला के फिर आप अलग मार्केट में जा रहे, या फिर आप नए मार्केट में जा रहे, आप कुछ तो भी इनोवेटिव सोचेंगे नया प्रोडक्ट लाएंगे, नया बिजनेस, नया मार्केट, नए तरीके से करना धंधा, तो उसमें आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। सो थिंक डिफरेंट। चौथा है कि बिजनेस के प्यार में मत पड़ो। क्या होता है कि हम बिजनेस में बहुत प्यार में जाते हैं, नहीं नहीं मैं 3 साल से 4 साल से बिजनेस कर रहा हूं, मुझे सक्सेस नहीं मिला तो क्या हो गया, मुझे तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। अरे भैया आपका बिजनेस यदि अभी 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो नहीं चल रहा है, तो आपको उससे बहुत प्यार में पड़ने का नहीं है, उसके आपने तुरंत धंधा बंद कर देना है, छोड़ देने का है और नया धंधा चालू कर देने का है। आपको ना वो बिजनेस में प्यार करना है या बिजनेस के प्रोसेस में प्यार करना है। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑफिसेस बड़े बड़े शहरों के शटडाउन कर दिए, काफ़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाल लिया, 2-2-3-3 हज़ार कर्मचारी कम कर दिए, काफ़ी सारे सिटीज़ के ऑफिसेस बंद कर दिए, क्योंकि नहीं पूरता है तो फिर करेंगे क्या। तो अपने बिजनेस के प्यार में जाने का नहीं है। क्या होता है कि अपने फैमिली ओन बिजनेस रहते हैं और फैमिली ओन बिजनेस में हम अपने फैमिली का ही आदमी जो रहता है उसको लाते रहते हैं, अपने पत्नी का भाई होगा, उसका मामा का लड़का होगा, चाचा का बेटा होगा, उसको लाएंगे और वो फैमिली में चलाएंगे। ऐसा नहीं चलता है। आपको ऐसे कोई अपने घर के लोग जो इनएफिशिएंट होंगे, इनकैपेबल होंगे, उनको ना रखते हो, क्योंकि अपने घर के प्रामाणिक रहेंगे, ऐसा ना सोचते हुए आपको प्रोफेशनल्स लाने पड़ेंगे और प्रोफेशनल्स आप बिजनेस में लाएंगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा। 5, आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस मतलब SWOT। एस मतलब स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू मतलब वीकनेसेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज, टी मतलब थ्रेट्स। तो आपको देखना है एस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दे आर इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दे आर एक्सटर्नल, बाहरी है। वो देखना पड़ेगा हमारे बिजनेस में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितने थ्रेट्स है, कौन से अपॉर्चुनिटीज, कौन से थ्रेट्स, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो देखने पड़ेंगे।
सातवां है कि आपके जो कर्मचारी, आपका जो स्टाफ है, उनको आपके बिजनेस में स्टेक होल्डर्स बनाओ। क्या होता है कि आप जब उनको इंसेंटिव देंगे, उनका शेयर आप देते हैं उनको कंपनी में, तो वो आपके शेयर होल्डर बनते हैं, स्टेक होल्डर बनते हैं। और जब आपके साथ में वो शेयर होल्डर भी है, आपके साथ में आपका वेल्थ बढ़ाते हैं, आपके साथ में वो ग्रो होते हैं, तो देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा। तो आपका जो स्टाफ है, कर्मचारी वर्ग है, उनको अपने साथ में लेके अपना बिजनेस बढ़ाओ। अपने टीम को ट्रेन करो। क्या होता है कि अपने टीम, अपने पास में टीम है, कमिटेड है, मगर यदि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो काम के नहीं है। तो अपनी टीम कैसी होनी चाहिए? कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट। कमिटमेंट है, दृढ़ निश्चय है, वचनबद्धता है काम के प्रति, बहुत सिंसियर है, ऑनेस्ट है, मगर कॉम्पिटेंट नहीं है। फायदा क्या है? तो आपके टीम को एक तो ट्रेन टीम लाओ, प्रोफेशनल्स लाओ, उनको कॉम्पिटेंट बनाओ, नहीं होंगे तो उनको ट्रेनिंग दो। तो राइट पीपल, राइट प्लेस, राइट टीम, राइट वर्क उनको देना जरूरी है। लास्ट नौवां जो पॉइंट है वो आपको देखना है कि आपके मार्केट में डिमांड्स क्या है, मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को, मार्केट में कौन से प्रॉब्लम्स है, मार्केट में कौन सी गैप है, मार्केट को जो चाहिए। अभी जैसा कोरोना का माहौल चालू है, तो अभी सैनिटाइजर बहुत चालू है, मास्क बहुत चालू है, पीपी किट चालू है, मतलब अभी जो चालू है वो लोग बिजनेस कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। मार्केट में अभी क्या चल रहा है? अभी डेटा देने वाली कंपनियां जो है, मोबाइल कंपनियां, उनकी चांदी हो रही है, जो अपने जो वीडियो कॉल्स होते हैं वो कंपनियां प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी चांदी हो रही है। मतलब मार्केट में क्या चाहिए वो आप यदि देंगे, मार्केट में क्या गैप है, मार्केट की वांट क्या है, वो आप फुलफिल करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आप करते हैं, ये 9 टिप्स है। यदि आप ये 9 टिप्स अपने बिजनेस में लाते हैं तो अपना बिजनेस एक अलग लेवल पे चले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।